देशभक्ति जनसेवा की आवाज बुलंद करने वाली रीवा पुलिस का बेरहम चेहरा तब सामने आया जब दो युवकों ने अपना दर्द कैमरे के सामने बयां किया। दरअसल पीड़ित महुआगंज के थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि गांव की एक लड़की बिना बताए कहीं चले गई। इसके शक और लड़की के पिता के इशारे पर पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती घर से ले जाकर थाने में बंद कर दिया और बेरहमी से पिटाई की। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति खासा आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अबीद खान ने जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन रहवासियों ने कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इनकी लड़की सर दो दिन पहले भाग गई है और हम अपने घर में हैं सर, मैं कहीं नहीं गया, मैं मेरे पिताजी नहीं है, मैं अनाथ हूँ सर, मेरी माँ बस है, हम गरीब अपना पेट चला रहे हैं। फिर भी सर और थाना प्रभारी जो थे सर वो अंदर बैठ के सर खुद भी और थाना प्रभारी दोनों अंदर बैठ के मरवाए हैं सर। सीसीटीवी उसमें नहीं था सर, केबिन में ले जाके मरवाए हैं, सीसीटीवी सब बंद था और सर इतनी मार मरवाए हैं कि मारते थे, हाथ खुलवाते थे सर, दर्द के मारे हाथ नहीं खुलता था, फिर भी जबरदस्ती दो आदमी पकड़ लेते थे। देखिए अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे जिनका कहना था कि कोई एक लड़का है जिसको थाने में पूछताछ के लिए ले गए थे और उनके साथ मारपीट की हुई है और उन्होंने एक शिकायत आवेदन इस बारे में दिया है। संपूर्ण घटनाक्रम की हम लोग जाँच कराएंगे और किन परिस्थितियों में उनसे पूछताछ की गई थी, क्या मामला था और यदि जो मारपीट की गई है तो उसके खिलाफ जो भी अगर कमांडिट मिलता है हमको तो उनके भी कार्रवाई।